आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट्स रिलेटेड इशूज़। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, या अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे पास होती है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। तो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो मेन सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट वन जो है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स और सेकेंड वन को कहते हैं इंसुलेटर्स। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी है वो होती है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो अलाउ नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स वुड होता है, रबर होता है। कंडक्टर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री कैटेगरीज में, गैशियस कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। तो जो गैशियस कंडक्टर हैं उसमें हमारे पास जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं हाई अंडर हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसी वजह से हम मेटेलिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और जो कंडक्शन हमारे पास ड्यू टू मेटेलिक कंडक्टर्स हो उसे हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन। इसमें हमारे पास प्योर मेटल्स आ जाते हैं, एलॉयज आ जाते हैं, कार्बन या सॉलिड सॉल्ट आ जाते हैं, ऑक्साइड्स आ जाते हैं, ठीक है। हम मेटेलिक कंडक्टर्स को कहते हैं कि ये बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और सेकेंड वन हमारे थर्ड वन हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इसको हम आयोनिक कंडक्शन भी कहते हैं। अब ये जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, ठीक है। हम कंडक्टेंस को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जैसे यहाँ पर हमारे पास आई इज इक्वल टू वी ओवर आर है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और आर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। तो पोटेंशियल को हम लोग जो मैयर करते हैं वो वोल्ट्स में करते हैं और करंट को हम एम्पेयर में करते हैं। तो ये वोल्ट पर एम्पेयर आ गया, और वोल्ट पर एम्पेयर कहते हैं हम के वो ओहम के इक्वल है। अब जो हमारे पास करंट है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। तो करंट और चार्ज जो हैं दे आर इंटर रिलेटेड, या हम कहते हैं जो करंट हम ये कहते हैं कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी हैं दे आर इंटर रिलेटेड। तो यहाँ पर क्यू हमारे पास जो है वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं एम्पेयर जो करंट है दैट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर, और टाइम जो है दैट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। सो हम इसे कहते हैं कि एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, ये कूलम्स के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम कूलम में मेजर करते हैं, और सम टाइम्स हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फेराडे में भी मेजर करते हैं। तो दोनों हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के यूनिट्स हैं, कूलम भी और फेराडे भी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। हमने पीछे देखा था कि कंडक्टेंस हमारे पास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है। तो जैसे कंसंट्रेशन आयंस की इंक्रीज होती है उसी तरह कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती जाती है। तो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस होता है कि हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम कहते हैं फ्लो ऑफ करंट रिस्ट्रिक्टेड और स्टॉप्ड बाय एनीथिंग। तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ये लेंथ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस को कहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वालिटी का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं रो,
तो ये आ गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब रेजिस्टेंस का हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, ये रो जो है इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू आर ए ओवर एल। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होती है इसके आर ए ओवर एल के। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास एरिया और लेंथ, ये यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ हो, तो उस टाइम में जो रेजिस्टिविटी है वो बिकम इक्वल टू इट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो इस यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, तो रो बिकम्स इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है ओहम, और रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स है वो हमारे पास कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को हम सी से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सी से लिख रहे हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर आर। तो कंडक्टेंस का मतलब है, ये कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या थे, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या थे, ओहम, और कंडक्टेंस के क्या होंगे, इसका रिवर्स कर दें तो पर ओहम, और उसे हम साइमन भी कहते हैं। और इसी तरह जैसे वो रेजिस्टिविटी थी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी, तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो इन्वर्स होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो या हम कहते हैं कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको हम के से लिखते हैं, इसे कपा भी कहते हैं, और कुछ जगहों पे इसको एल एस भी लिखा होता है, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी 1 ओवर रेजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी हमारे पास फिर इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी को हम इन्वर्स कर लें, रेजिस्टिविटी हमारे पास आर ए ओवर एल था, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हम इन्वर्स कर लें तो एल डिवाइडेड बाय आर ओवर ए आ गया, इन्वर्स रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस हो गया। और एल ओवर ए जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, लेंथ ओवर एरिया, इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम कंडक्टिविटी का यूनिट देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर आर, जो क्या था हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस का, वो कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस का यूनिट देख लें, पीछे हमने लिखा था पर ओहम, तो यहाँ पर ओहम को हम साइमन भी कहते हैं, तो साइमन। और अगर हम लेंथ और एरिया हमारी मर्जी है, हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मीटर में भी ले सकते हैं, तो अगर हम मीटर में लें तो लेंथ हमारे पास, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास साइमन पर मीटर आ जाएगा। और अगर हम सेंटीमीटर में लें तो हमारे पास लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी, एरिया जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये तब बन जाएगा, इसके यूनिट तब बन जाएंगे साइमन पर सेंटीमीटर। हाउ कैन वी चेक द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट? तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और दोनों में से हमने कंपेयर करना है कि किसकी कंडक्टेंस जो है वो बेटर है या गुड कंडक्टर कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास गुड कंडक्टर है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं इसके फंडामेंटल वेट को। फंडामेंटल वेट को हम डिसॉल्व कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो तब हम इसकी कंडक्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं हम कि किसकी कंडक्टेंस जो है वो बेटर है। अब जो फंडामेंटल वेट है वो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है। इक्विवेलेंट वेट हम कहते हैं कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको हम डिवाइड करें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आइंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स, और अगर हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आइंस या हम डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास सिंपल जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी कंपाउंड का। अब इसी बेसिस पे हम, वेट की बेसिस पे हम कंडक्टेंस को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास होती है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स दैट आर 1 मीटर अपार्ट। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमारे पास क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट वेट, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आइंस या हम वैलेंसी की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके इक्वल है, मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी तो हम कहते हैं कि कंडक्शन अगर इस तरह के सॉल्यूशन में से हो, ठीक है,
जिसका जो हमारे पास मैंने आपको कंडीशन सारी बताई है, अगर कंडक्टेंस इस तरह के सॉल्यूशन से हो तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लैम्डा से। ये वाला साइन जो है ये कैपिटल लैम्डा का है, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल लैम्डा इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास के जो है कपा वो क्या है कंडक्टिविटी, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो हमारे पास मीटर क्यूब में अगर हम देखें तो 10^-3 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है हम कहते हैं ये तो हमारे पास मीटर क्यूब में सॉल्यूशन है, अगर अगर मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व किया है वो VCC है, ठीक है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो उस टाइम में जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इक्वल होगी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा, उसके बाद सेकंड वन हमारे पास आ जाती है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है कि वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एट आर 1 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे इस तरह के सॉल्यूशन से अगर कंडक्टेंस हो तो उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो म्यू हमारे पास इक्वल है खपा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, या म्यू इज़ इक्वल टू कपा मल्टीप्लाई बाय वी। तो वॉल्यूम जो हमारे पास है वो होगा 10^-3 डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं दोनों के यूनिट्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के यूनिट्स हमारे पास होते हैं, फॉर्मूला को देख के हम यूनिट्स डिराइव कर लेते हैं। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, के कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या था, साइमन पर मीटर, ठीक है, हमने ये देखा था ना साइमन और पर मीटर, या अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, VCC सॉल्यूशन है तो हम कह देते हैं कि साइमन पर सेंटीमीटर। और हमारे पास जो यूनिट है उसका वॉल्यूम का हमारे पास जो यूनिट है वो हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हम VCC सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसका जो टोटल यूनिट बन गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसी तरह मोलर कंडक्टेंस के यूनिट्स हम देख लेते हैं, तो म्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पर कंडक्टिविटी का साइमन है और साइमन पर सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, और नीचे डिवाइडेड बाय मोल्स हैं, तो ये हमारे पास बन गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मोलर कंडक्टेंस के यूनिट हैं, ऊपर वाले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के यूनिट हैं।